16 जुलाई 1945 की सुबह जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब अमेरिका में जो हो रहा था वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एज में ले जाने वाला था। मैनहट्टन में रह रहे लोगों का दावा था कि उस दिन उन्होंने 2 बार सूरज को उगते हुए देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मशरूम की शक्ल में उगता दूसरा सूरज वो खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब था। पूरी दुनिया को पावर शो ऑफ के एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां न्यूक्लियर पावर होना ही पावरफुल कंट्री होने का प्रतीक बनने वाला था। कई देश अब इस हथियार के ठेकेदार बनकर दूसरे देशों को आंख दिखाने वाले थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि बॉम्ब बनाने का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे बनाने वाले साइंटिस्ट आखिर क्यों अपनी मौत तक इस एटॉमिक इन्वेंशन पर पछताते रहे? इस बॉम्ब का भगवद गीता से क्या कनेक्शन रहा और न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे अर्थ के ही अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गया? Atomic bomb struck an enemy. Actual pictures of the atomic bomb obliterating Nagasaki. 2 atomic bombs were enough to seal the fate of Japan. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. एक झटके में पूरे सिटी को मलबे के ढेर में बदलने वाला न्यूक्लियर वेपन आज केवल अमेरिका की जागीर नहीं है, बल्कि कई देश इस खतरनाक हथियार के मालिक बन बैठे हैं। इसी का नतीजा है कि थोड़ी भी कंट्रोवर्सी हुई नहीं कि ये देश एक दूसरे को न्यूक्लियर वार्निंग देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर चाहे बात नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की हो या यूक्रेन रशिया वॉर की, एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब जहां एक तरफ पावरफुल वेपन है, वहीं दूसरी तरफ ये कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी का औजार है। इसे बनाने की होड़ तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही कर दी थी और इसकी टेस्टिंग हुई जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिया, जिसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बम बनाने और दुनिया पर राज करने की सोच को हवा किसने दी और ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। इस डिस्ट्रक्टिव वेपन को डेवलप करने की नींव वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही रख दी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में नुकसान हालांकि सभी देशों को हुआ, लेकिन जर्मनी को इस युद्ध में सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जर्मनी में इस दौरान बहुत से बदलाव देखने को मिले, सत्ता पलटी और वहां की साइंटिस्ट कम्युनिटी भी अब पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए तत्पर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मनी को न्यूक्लियर फिजन का ज्ञान था। फेसिज्म की वजह से भाग निकले बाकी जर्मन साइंटिस्ट को भी न्यूक्लियर फिजिक्स का नॉलेज था। दूसरी तरफ जर्मनी के महान वैज्ञानिक सर हाइजेनबर्ग भी जर्मनी के बेइज्जती से काफी दुखी थे। हालांकि हिटलर जिस तरह रूल कर रहा था वो हाइजेनबर्ग को भी नहीं पसंद था, लेकिन जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाने का सपना उनका भी था। इसी बीच साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, जो क्वांटम फिजिक्स में बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। वो अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से विज्ञान जगत में पहले ही काफी मशहूर थे, लेकिन वो अकेले ही जर्मन साइंटिस्ट नहीं थे जो बड़े इन्वेंशंस को जन्म दे रहे थे, बल्कि अपनी शिक्षा इंटेलेक्चुअल्स के लिए मशहूर यूरोप में जेम्स चैडविक, नील बोर, एनरिको फर्मी और ओटो हान जैसे कई टैलेंटेड साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर फिजिक्स पर ही काम कर रहे थे। हालांकि इन सबका मकसद न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाने का था। हुआ ये कि 1938 में जर्मन केमिस्ट ओटो हान और उनकी असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूक्लियर फिजन का पता लगाया था। उन्होंने ये बात अपनी कलीग लीजा माइटनर को बताई थी, जिन्होंने ये जानकारी ओटो रॉबर्ट फ्रिश के साथ शेयर की थी। ओटो रॉबर्ट फ्रिश ने इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था, जिससे ये साबित हो गया था कि अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है और उससे निकलने वाली हैवी एनर्जी को यूज किया जा सकता है। फ्रिश ने इस एक्सपेरिमेंट को न्यूक्लियर फिजन नाम दिया था। उस वक्त ओटो हान अपनी इस डिस्कवरी की ताकत को नहीं जानते थे, लेकिन जब विलियम हानले द्वारा लिखे हुए एक पेपर के जरिए फिजिसिस्ट ने यूरेनियम फिजन के बारे में सुना तो इनफॉर्मली इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। इस ग्रुप का नाम यूरेनियम क्लब रखा गया, लेकिन कुछ कारणों के चलते 1939 में पहले यूरेनियम क्लब पर काम बंद कर दिया गया। इस काम के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स के बेस्ट साइंटिस्ट यानी वर्नर हाइजेनबर्ग को लीडर बनाया गया, जो खुद जर्मनी को उभरती शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। अब तक जर्मनी में ज्यूइश लोगों पर होने वाला अत्याचार एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था,
इसके चलते कई नामी गिरामी ज्यूइश साइंटिस्ट जर्मनी से भागकर पहले ही यूरोप के दूसरे देशों में बस चुके थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जैसे जैसे जर्मनी यूरोप के दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा था, वैसे वैसे यहूदियों के लिए यूरोप में रहना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में इटली से लेकर डेनमार्क, ब्रिटेन और बेल्जियम देश तक के सभी वैज्ञानिक के पास एक ही रास्ता था कि वो अमेरिका जाकर अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करे। अब तक अमेरिका का वर्ल्ड वॉर टू से कोई लेना देना नहीं था, वो टेक्निकली जर्मनी की नीतियों के खिलाफ भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन की तबाही के बाद से ही वो वॉर से दूर रहना चाहता था। लेकिन जब जापान ने पैसिफिक ओशन में अमेरिकन आर्मी बेस पर्ल हार्बर को अपना निशाना बनाया, तब अमेरिका भी सीधे तौर पर युद्ध में आ गया। उस वक्त जर्मनी और अमेरिका दोनों तरफ फिजिसिस्ट न्यूक्लियर फिजन से हथियार बनाने की संभावनाओं को तो समझ गए थे, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक को एटम बॉम्ब क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी। अब क्योंकि जर्मनी न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में आगे था और यूरोप के देशों से भागे हुए दूसरे वैज्ञानिकों ने भी सर आइंस्टाइन को यह बता रखा था कि शायद जर्मनी किसी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सकता है, इसीलिए उन सब ने मिलकर अपनी बात सर आइंस्टाइन से कही। इसके बाद अगस्त 1939 में दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर भेजकर चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी शायद ऐसा कोई न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसीलिए अमेरिका को भी न्यूक्लियर वेपन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। हालांकि ये लेटर खुद उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि लियो सिलार्ड और दो हंगेरियन साइंटिस्ट ने इस लेटर को ड्राफ्ट और कंपोज किया था। लेकिन इस लेटर में एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिग्नेचर्स थे। इसमें उन्होंने आग्रह किया था कि अमेरिका भी यूरेनियम ओर को स्टॉकपाइल करे और खुद के परमाणु हथियार पर काम करना शुरू कर दे। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि साथ ही अगर अमेरिका ये बॉम्ब नहीं बनाएगा तो हिटलर बना लेगा और उस दिन पूरी दुनिया को बर्बादी की खाई में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस लेटर को पाने के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ऑर्डर पर द एडवाइजरी कमिटी ऑन यूरेनियम का गठन हुआ और इसके साथ ही साथ ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना लगभग 1941 में कर दी गई। कई इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट को इस काम पर लगाया गया, लेकिन किसी को भी सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। ऐसे में शुरुआत हुई एक बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट की, जिसे नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर मैनहट्टन सिटी को ही बनाया गया था। इसकी कमान बहादुर आर्मी जनरल लेस्ली ग्रोव्स को सौंपी गई। उन्होंने प्रोजेक्ट के लीडर के तौर पर महान साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ही अपनी पहली चॉइस बनाया। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि रॉबर्ट अमेरिकन थे और वो जर्मन साइंटिस्ट पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते थे। कई लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ओपेनहाइमर को परफेक्ट चॉइस नहीं मानते थे, लेकिन लेस्ली ग्रोव्स को यकीन था कि अगर ये बॉम्ब न्यूट्रॉन से बनाया जाना है तो इस प्रोजेक्ट को उसके मुकाम तक केवल एक ही आदमी ले जा सकता है और वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसके अलावा 15 बड़े साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कमाल की बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट को शहर से दूर लॉस एलामोस में बनाया गया था, जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। सुनने और देखने में ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता था, यहां तक कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई साइंटिस्ट, वर्कर्स और सोल्जर्स तक नहीं जानते थे कि आखिर वहां बन क्या रहा है। हर वर्किंग यूनिट किसी एक पार्ट पर वर्क कर रहा था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। आखिर वो किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? बॉम्ब को बनाने की स्ट्रेटेजी को इतना सीक्रेट रखा गया था कि किसी को कानोकान खबर नहीं थी। फिर भी न्यूक्लियर फिजन के वर्क प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की जानकारी अब दुनिया के लगभग सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के पास थी। अमेरिका के न्यूक्लियर रेस में कूदते ही बॉम्ब बनाने की हवा ब्रिटेन और जापान तक भी जा पहुंची। न्यूक्लियर फिजन की इंफॉर्मेशन अब दुनिया के सभी बड़े साइंटिस्ट के पास थी, इसीलिए सभी देश सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे। यूके में ब्रिटेन और कनाडा मिलकर पहले ही ट्यूब अलॉयस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जर्मनी की बढ़ती बमबारी और अग्रेसिव वॉर पॉलिसीज के चलते ये प्रोजेक्ट खतरे में आ गया था और अब ब्रिटेन, कनाडा के साइंटिस्ट भी अमेरिका के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए थे। इसका मतलब था कि उस समय के सबसे शार्प माइंडेड साइंटिस्ट केवल एक ही हथियार एटम बॉम्ब को बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ब्रिटेन, जर्मनी के कई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
वही जर्मनी के एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट से कर्ट डाइबनर, अब्राहम इसाउ, वाल्टर गेरलाच एंड एरिक शुमान जैसे नाम जुड़े हुए थे। शुरुआती दौर में जर्मनी न्यूक्लियर फिजिक्स में अमेरिका से काफी आगे था, लेकिन उस दौर में यूरेनियम काफी रेयर एलिमेंट था और ये दुनिया के केवल कुछ ही देशों में मिलता था। ऐसे में अमेरिका ने यूरेनियम 235 के साथ साथ प्लूटोनियम को इस्तेमाल में लाया। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ ये एटॉमिक प्रोजेक्ट अमेरिका के कई साइट्स पर एक्टिव था, क्योंकि मैनहट्टन अमेरिका का सबसे पहला साइट था जहां एटॉमिक रिसर्चेस हुई थी। इसीलिए एटॉमिक बॉम्ब का यह प्रोजेक्ट तब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हो गया। हालांकि अब भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हजारों लोगों को फाइनल प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी, फिर भी मोटे तौर पर सब जानते थे कि मिलिट्री यूसेज की ही कोई इंपॉर्टेंट वेपन बनाने की कोशिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि वहां के मिलिट्री भी फुल कोऑपरेशन के साथ लीड कर रही थी। मिलिट्री की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स और साइंटिस्ट की तरफ से फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया जान रहे थे और अपने एटॉमिक बॉम्ब कॉन्सेप्ट को असेंबल होते हुए देख रहे थे। असल मायने में इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं जानता था कि इतनी कड़ी मेहनत मास डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब को बनाने के लिए की जा रही है। यहाँ हर साइंटिस्ट की टोली एक अलग काम को कर रहे थे, जिससे एटॉमिक बॉम्ब को क्रिएट करने और असेंबल करने का काम साथ साथ हो रहा था। लियो सिलर्ड और एनरिको फर्मी की टीम अपने कारीगरों के साथ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे थे, वही दूसरी टीम यूरेनियम 235 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के जरिए अलग करने का काम अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंस के अंडर कर रही थी। ये वो नाम है जिनको एटॉमिक बॉम्ब क्रिएशन के प्रोसेस में भुलाया नहीं जा सकता, और इन सारे डेवलपमेंट्स और क्रिएशन की देखरेख और रिपोर्टिंग ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स कर रहे थे। इतनी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली अमेरिका 1945 में अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के लिए रेडी था। और सबसे कमाल की बात है कि इन चार सालों के दौरान अमेरिका ने एक नहीं बल्कि तीन एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिए थे, जिनको थिन मैन, फैट मैन और लिटिल बॉय नाम दिया गया था। लाखों कामगारों और बिलियन डॉलर्स लगने के बाद 1945 में ये एटम बॉम्ब्स तैयार हुए। इसकी टेस्टिंग होती इसके पहले ही दो बड़े इवेंट्स हुए। पहला तो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सर रूजवेल्ट का 12 अप्रैल 1945 को ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसी महीने एडॉल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर टू में एक नया मोड़ आ गया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और अमेरिकन सत्ता हैरी एस ट्रूमैन के हाथों में आ गई। सत्ता हाथ में आने के साथ ही नए प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एटॉमिक बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन मिली। चूंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड व्हाइट हाउस इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए ट्रूमैन को इसकी खबर पहले से नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इसके पावर के बारे में जाना तो तुरंत इसके टेस्टिंग की मंजूरी दे दी। जुलाई 16 ही वो दिन था जब एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जाना था। इसके टेस्ट को ओपेनहाइमर ने नाम दिया था द ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी शब्द को ओपेनहाइमर ने धार्मिक ग्रंथ बाइबल से लिया था और इसे लास अलामोस के खाली डेजर्ट पर किया जाना था। अब 16 जुलाई 1945 की सुबह आई, वो सुबह जिसमें एटम बॉम्ब की टेस्टिंग होनी थी। क्लियर वेदर, स्लो एयर और कूल टेम्परेचर इस रेगिस्तान को एटॉमिक टेस्टिंग के लिए परफेक्ट साबित कर रहे थे। अभी सुबह के 5 बजे थे। लगभग 17 माइल्स की दूरी पर साइंटिस्ट बेस में घबराए हुए बैठे थे। सबके दिल में डर था। विश्व में पहली बार होने वाली एटॉमिक बॉम्बिंग का दृश्य और इसका परिणाम सामने आने वाला था। तभी अचानक सुबह 5:29 पर ब्लास्ट हुआ। जहां टेस्ट से पहले कई वैज्ञानिक इसे लेकर खुश थे, वहीं बड़े साइंटिस्ट को डर था कि अगर किसी से भी कोई गलती हुई तो पूरी दुनिया एटॉमिक महाविनाश का शिकार बन जाएगी। ये बम कहीं धरती के अस्तित्व को ही खत्म ना कर दे। लेकिन इन सभी उलझनों के बीच ट्रिनिटी बॉम्ब को उसकी जगह पर प्लेस किया गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट को देखने के लिए कई नामी गिरामी साइंटिस्ट वहां पहुंचे थे। आखिरकार जब यह फटा तो कई साइंटिस्ट कुछ देर के लिए अंधे हो गए। यह विस्फोट बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो एक ही बारी में आसमान में 100 सूरज जल उठे हो। दूर दूर तक मिट्टी बर्न हो चुकी थी, होराइजन्स में धुएं का बड़ा बादल था और ये विस्फोट एक मशरूम की शक्ल ले चुका था। इसके फटने के चंद सेकंड्स बाद ही पूरे रेगिस्तान में एक असहनीय गर्मी की लहर दौड़ गई थी।
जिस लोहे के टावर पर बॉम्ब को रखा गया था वो पिघल कर जमीन पर गिर गया था। चारों ओर केवल तबाही ही तबाही थी। इस विस्फोट को देखने के बाद जहां कुछ वैज्ञानिकों के चेहरे पर सरप्राइजिंग रिएक्शन था, तो वही कुछ के चेहरे दुख से भर गए थे। उन सबके मन में केवल एक ही सवाल था कि हमने ये कैसा विनाशकारी हथियार बना दिया है। वही ओपेनहाइमर, जिन्होंने इस पूरे मिशन को लीड किया था, इसकी खतरनाक एक्सप्लोसिव कैपेसिटी को देखकर उनके मुंह से निकल गया। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद केवल ओपेनहाइमर ही नहीं थे जिन्हें एटॉमिक बॉम्ब के इंपैक्ट से एक बड़ा धक्का लगा था, बल्कि बाकी वैज्ञानिक भी चिंता में थे कि यह हथियार आखिर कितनी तबाही ला सकता है। इसी के चलते महान साइंटिस्ट लियो सिलर्ड ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट से लेटर लिखकर गुजारिश की थी कि इसके इस्तेमाल पर जरूर सोचा जाए और जापान को केवल चेतावनी दी जाए। लेकिन लियो सिलर्ड का ये लेटर कभी प्रेसिडेंट को नहीं मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म होने पर जापान को दो न्यूक्लियर बॉम्ब को झेलना पड़ा। दरअसल हुआ ये था कि 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। उधर इटली के बेनिटो मुसोलिनी भी 28 अप्रैल 1945 को पहले ही मारे जा चुके थे और इटली ने भी हार एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जापान अभी भी वॉर में पीछे हटने को राजी नहीं था। जापानीज एम्परर सरेंडर करने के हक में नहीं थे। हालांकि अमेरिका पीस नेगोशिएशन से भी जापान के साथ युद्ध रोकने की सोच रहा था, मगर कमाल है कि जापान का एम्परर अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करना चाहता था। यहाँ के लोगों में पेट्रियोटिज्म कूट कूट कर भरा था। जापान के बच्चे बच्चे को देश के लिए जीने मरने का पाठ पढ़ाया जाता था। अमेरिका के खिलाफ जापानीज सोल्जर्स एक खास कामिकाजे टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सोल्जर्स शिप और टैंक के सामने आकर खुद को एक्सप्लोड कर देते थे। इससे सोल्जर्स तो सेक्रीफाइस होते थे ही, साथ ही अमेरिका की डिफेंस को भी भारी नुकसान पहुंचता था। अमेरिका ने जापान पर फुल स्केल इन्वेजन किया, लेकिन उन्हें नतीजा कुछ और ही देखने को मिला। जापान के ओकिनावा आइलैंड को कब्जाने में ही अमेरिका को अपने 12,000 सैनिकों को खोना पड़ा। 12 अप्रैल से शुरू हुई इस लड़ाई में जापान इसे 82 दिनों तक बिना झुके लड़ता रहा। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका को जीत तो हासिल हुई, लेकिन इसकी कीमत उनके हजारों सैनिकों की जान बन गई थी। जापान के फियर्स बैटलिंग टेक्निक्स और उनकी हिम्मत ना हारने का जज्बा अमेरिका को डरा रहा था। पैसिफिक में हुई इस लड़ाई को इतिहास की ब्लडीएस्ट बैटल का नाम दिया गया। अमेरिका ऑपरेशन डाउनफॉल का पहला स्टेप तो जीत गया, लेकिन वो समझ गया कि जापान को इस तरह से हराना काफी मुश्किल है। यहाँ सोल्जर्स देश की शान के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार है और इनकी कामिकाजे टेक्निक का दूसरा कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका ने जापान को झुकाने के लिए एटम बॉम्ब का सहारा लेना ही सही समझा। इसके लिए पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने अपने मिलिट्री ऑफिशियल के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब को डिप्लॉय करने का प्लान बनाया, लेकिन बम गिराने से पहले उन्होंने जापान को आखिरी वार्निंग देने का फैसला किया। ऐसे में 26 जुलाई 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने साथ मिलकर जापान के सामने एक पोट्सडैम डिक्लेरेशन रखा, जिसमें जापानीज एम्परर से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड रखी गई। अमेरिका ने वार्न किया कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो इसका नतीजा अटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कमाल है कि इस डिक्लेरेशन में अमेरिका ने कहीं भी एटॉमिक बॉम्ब गिराने का जिक्र नहीं किया, और इसीलिए वो तबाही का असली मतलब नहीं समझ पाए। ऐसे में जापान ने एक बार फिर पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और इसका नतीजा उन्हें भीषण तबाही के रूप में देखने को मिला। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर भेजा गया। 8:15 में ये लिटिल बॉय बॉम्ब विमान से नीचे गिराया गया, और फिर इसके बाद जो बर्बादी का मंजर चारों तरफ था वो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। केवल चुटकियों में 80,000 लोगों की लाशें सड़कों पर थी। लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब ने 13 किलोमीटर तक के इलाके को बर्बाद कर दिया था। कॉन्क्रीट की इमारतों को छोड़कर सब कुछ पिघल गया था। हिरोशिमा की 70% बिल्डिंग वाइप आउट हो चुकी थी। जो लोग इस धमाके से बचे थे वो 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव से वेपोराइज हो गए थे। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि आखिर कैसे एक सुनहरा शहर सेकेंड्स में
खंडर बन गया था। जब तक जापान इस तबाही का अंदाजा भी लगा पाता, तब तक अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन नागासाकी पर गिरा दिया था। हालांकि नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला तय नहीं था, लेकिन फिर भी उस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। लोगों के मरने की संख्या हजारों में थी। लगभग 6.7 किलोमीटर का इलाका बर्बाद हो चुका था। इस महाविनाश के बाद जापान बिल्कुल टूट गया। अब जापान के एम्परर, जो कल तक युद्ध को अंतिम सांस तक लड़ना चाहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के बाद वर्ल्ड वॉर टू थम गया। इस बॉम्बिंग से जापान और वहां के लोगों को जो झेलना पड़ा वह काफी दर्दनाक था। कहते हैं कि अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि इस बॉम्ब से किस हद तक मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन इस हमले से जिसे सबसे गहरा धक्का लगा वो ओपनहाइमर थे। उनका मानना था कि जापान पर इस तरह एटम बॉम्ब गिराना जस्टिफाइड नहीं था। On the one hand, they hoped this instrument would never be used in war. वो इस कंफ्यूजन में थे कि क्या ये बॉम्ब बनाना सही था, लेकिन वो ये भी समझते थे कि अगर वो इसे इजाद नहीं करते तो हिटलर कर लेता और फिर यह हमला अमेरिका पर भी हो सकता था। कुछ ऐसा ही पछतावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी था। वो सोचते थे कि शायद वो लेटर लिखकर रूजवेल्ट को बॉम्ब बनाने की चेतावनी ना देते। साथ ही बॉम्ब पर काम करने वाले दूसरे साइंटिस्ट भी अपनी इस इन्वेंशन पर पछताते रहे। वो सब समझ चुके थे कि दुनिया अब न्यूक्लियर फेज में प्रवेश कर चुकी है और बाकी देश भी अब खतरनाक हथियार बनाने की रेस में शामिल होने वाले हैं। खैर, उनके इस डर को सच बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। दरअसल बॉम्ब बनाने की होड़ में पहली सफलता यूएसएसआर को हाथ लगी, जिन्होंने युद्ध के 4 सालों बाद ही अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था। इसका नाम फर्स्ट लाइटनिंग रखा गया था और यह अमेरिका के फैटमैन बॉम्ब के डिजाइन पर ही बनाया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद भी यूएसएसआर यानी रशिया और अमेरिका रुके नहीं। इन दोनों देशों ने कुछ साल बाद दुनिया का सबसे विनाशकारी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए। इन बॉम्ब की इंटेंसिटी नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 15 गुना ज्यादा थी। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट खुद इस क्रिएशन के खिलाफ थे और उनका कहना था कि यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा बॉम्ब पूरी दुनिया तबाह कर सकता है, लेकिन अब इतिहास में पीछे मुड़कर कुछ ठीक नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ वर्ल्ड एडवांस बॉम्ब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गया था और अब सभी देश बॉम्ब पर बॉम्ब बनाने लगे थे। इस होड़ पर ओपनहाइमर का भी कहना था कि हाइड्रोजन बॉम्ब भले कोई भी देश बनाए, लेकिन यह बेहद खतरनाक है और नो डाउट यूएसएसआर की देखा देखी अमेरिका भी बॉम्ब को बनाएगा। कट टू प्रेजेंट, अगर मॉडर्न डे की बात की जाए तो आज दुनिया में 9 देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने और वॉर में उसे यूज करने की क्षमता रखते हैं। इन देशों में हमारे देश भारत का नाम भी शामिल है, जिसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट मई 18, 1974 में पोखरण में किया था। अब तक कहानी देखकर आपको इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर टू और एटम बॉम्ब का क्रिएशन दुनिया के लिए कितना खतरनाक रहा। लेकिन जब हम इन इवेंट्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब को जन्म दिया। ऐसा क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन सहित मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 15 साइंटिस्ट में से 12 यहूदी थे, जिन्होंने यूरोप को छोड़कर हिटलर के खिलाफ इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। इन अ नटशेल, न्यूक्लियर फिजन का खोज तो दुनिया को प्रकाश देने के लिए किया गया था। साइंटिस्ट इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्रोड्यूस करने के नए आयामों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की स्थिति ने इस इन्वेंशन को दूसरा रास्ता दिखा दिया। वो रास्ता जिसने अमेरिका को एटम बॉम्ब के क्रिएशन तक पहुंचा दिया और उनकी देखा देखी पहले यूएसएसआर और बाद में कई और भी देशों ने एटॉमिक पावर बनने की होड़ शुरू कर दी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।